करते हैं यामा YB125Z DX का। सबसे पहले इसकी फ्यूल टैंक किसकी तरफ आ जाते हैं, आप इसका फ्यूल टैंक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइट, ब्लैक और येलो का कम्बिनेशन मिल रहा है और बिल्कुल सेंटर में आपको यामाहा की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को जो इसका ओल्ड मॉडल था उसके ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर इस तरह से है कि हर कंपनी जो है वो हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, क्यों ना वो ग्राफिक्स क्यों ना चेंज करे बाइक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स। तो उसके बाद आ जाते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ। तो स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज है और गियर इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे वाली साइड पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट मिल जाती है और हेडलाइट की लाइट मिल जाती है। राइट साइड पे आ जाती है, असेंबली की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक मिल जाती है जो कि डिस्क ब्रेक दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे थ्रॉटल मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट ऑफ ऑन मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो है सब स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे लाइट हाई लो इंडिकेटर लेफ्ट राइट हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके फ्रंट साइड की तरफ। फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे राउंड शेप लाइट मिल जाती है। नीचे वाली साइड पे आपको यहाँ पे यामाहा की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो यहाँ पे सर्विस का टायर यूज़ किया गया है और ये जो टायर है इसकी मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ, 2.75x18 का यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है 18 इंचेस अलॉय रिम के साथ। और अगर वाइबर जी से इसका कंपैरिजन किया जाए तो फ्रंट साइड से जो वाइबर जी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। ये इसका इंजन आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाता है। और सीट कंफर्ट की बात कर लें, सीट कंफर्ट इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे रियर पर आ जाते हैं। रियर पे आपको 90x90 का टायर मिल जाता है 18 इंचेस अलॉय रिम के साथ। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और सस्पेंशन की अगर बात कर लें रियर पे आपको, तो बहुत ही अच्छी सस्पेंशन है इसकी। तो इस बाइक की प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो ये इसका रियर से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी जो प्राइस है वो क्या मिल रही है, ऑल टैक्सेस इंक्लूड है इसके अंदर, 4,40,500 में ये आप लोगों को बाइक मिल रही है। जैसा कि रिजवान भाई ने आपको वीडियो के अंदर बताया कि आप ये इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी ये बाइक ले सकते हैं, जिसमें आपको 50% डाउन पेमेंट करनी होगी और आपको कैश पे भी उतने ही पैसों में बाइक मिल रही है और इंस्टॉलमेंट पर भी उतने ही पैसों में मिल रही है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू यामाहा YB125Z DX का। तो कैसा लगा आपको ये बाइक, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप लोग लेना चाहते हैं शफीक ऑटोज नवल्टीपुर फैसलाबाद पे, आप तशरीफ लेकर आए, आपको यहाँ पे हर तरह का वेरिएंट मिल जाएगा।